एवरीबॉडी, सो गाइस कैसे आप लोग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस माइनक्राफ्ट यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर और आज है हमारा एपिसोड 10। एपिसोड 9 पे इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, @samcrafthindi मेरा यूजर नेम है। और गाइस अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसा ही अमेजिंग माइनक्राफ्ट रिलेटेड कंटेंट जो है वो लेके आता रहता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप सबको बताया, हम अपने हर एक एपिसोड की जो शुरुआत है वो करते हैं 100 सैपलिंग्स को प्लांट करके। तो चलो गाइस पहले 100 सैपलिंग्स को प्लांट करते हैं और उसके बाद आज का एपिसोड जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस हमारी 100 सैपलिंग जो है वो प्लांट हो चुकी हैं, तो चलो आप चलते हैं अपने बेस के ऊपर और उसके बाद आज के एपिसोड जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस लास्ट के एपिसोड में हमने ये अपना एक आर्मर का घर बनाया था और उसके बाद हमने बनाई थी एक आयरन फार्म। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आयरन फार्म कैसा काम कर रही है। और मैं मतलब यहाँ पे अभी तक AFK रहा भी नहीं और हमारे पास इस वक्त हो चुके हैं 2 स्टैक्स आयरन के। सो या गाइस हमारी आयरन फार्म जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बट आज के एपिसोड में हमारे कुछ गोल्स अलग हैं क्योंकि माइनक्राफ्ट का 1.18 अपडेट जो वो आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी अपना वर्ल्ड जो है उसको 1.18 में अपडेट करूँ। बट गाइस हमारा वर्ल्ड अपडेट करने से पहले हमें बनाना है एक फुल डायमंड बीकन। तो ये कुछ फॉर्म से गाइस जो हमने लास्ट के एपिसोड में बनाई थी, हमारी रोज बुश और उसके बाद नेदर वार्ड फॉर्म। बट गाइस आज के एपिसोड में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हमें चाहिए होंगे बहुत सारे डायमंड्स और गाइस एक डायमंड बीकन जो है वो हमें बनाना है। बट सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ इस स्वैम्प बायोम का जो हमारे बिल्कुल सामने है और हमारे बिल्कुल पास है। तो गाइस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्ले मेथड और उसके बाद क्ले मेथड यूज़ करके हम जो है वो बहुत सारे डायमंड्स बना लेंगे, क्योंकि गाइस 1.18 में जो है ये वर्ल्ड की हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी, तो बाद में ये एक ट्रिक काम नहीं करेगी। तो क्ले मैथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेंटर पॉइंट ढूंढना है किसी भी क्ले पैच का, और जब आपको सेंटर पॉइंट मिल जाए तो आप साउथ डायरेक्शन में 3 ब्लॉक जाइए। तो डायरेक्शन पता कर लीजिए, तो यहाँ पे ये हमारी साउथ है, तो साउथ डायरेक्शन में हमें 3 ब्लॉक जाना है और उसके बाद गाइस हमें सीधा नीचे जो है वो डिग डाउन करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ ताकि गाइस यहाँ पे जो पानी है वो नीचे चला जाए, और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे इसमें माइन करते हैं तो हमें जो है वो डायमंड मिलने के चांसेस मतलब हो रहते हैं। और गाइस ज़रूरी नहीं कि हर बार आप नीचे माइनिंग करो और उसके बाद आपको डायमंड मिल जाए, किसी बार मिलते हैं तो किसी बार नहीं मिलते। तो ये वाला मेथड जो है वो हम डायमंड माइनिंग का यूज़ करने वाले हैं और उसके बाद गाइस देखते हैं कि हमें कितने सारे डायमंड जो है वो मिलते हैं। और मुझे कोई भी और मिलेगी जो जैसे कि मुझे अगर रेड स्टोन या फिर आयरन या फिर गोल्ड और उसके बाद अगर कोल भी मिलता तो सारी और मैं ले लूँगा। और उसके बाद गाइस 1.18 में जब हम अपडेट कर लेंगे तो इन सारे को हम जो वो फॉर्च्यून माइन कर लेंगे। बट अभी के लिए गाइस मैं डायमंड यहाँ पे माइन कर दूँ और हम नीचे जाके देखते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे नीचे डायमंड मिल गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट मेथड है डायमंड माइनिंग का, और मतलब बहुत ही कम टाइम में आप जो है बहुत सारे डायमंड्स माइन कर सकते हो अगर आप 1.17 में हो तो। 1.18 में पूरी तरह ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम अभी डायमंड ढूंढने वाले हैं। तो एक सेकेंड, अगर मैं किसी तरह ओके मैंने लाइटरा नहीं पहनी है। सो या गाइज मैं कोई डायमंड माइन करता हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, तो आप एंजॉय करें गाइज ये छोटा सा टाइम लैप्स।
ओके तो जल्दी से इसको चेकआउट कर लेते हैं। वाओ गाइस, हमें मिल चुकी हैं ग्लो बेरीज और उसके बाद कुछ जेम्स। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ऑलमोस्ट एक स्टैक हो चुका है डायमंड्स का। तो चलो चलते हैं अपने बेस के ऊपर और उसके बाद इनको माइन करके देखते हैं कि हमें इसमें से जो है वो फॉर्चून 3 यूज़ करके कितने डायमंड्स मिलते हैं। सो या गाइस, ये मैं लूट ले लेता हूँ और कुछ ग्लो बेरीज भी ले लेता हूँ। तो उसके बाद हम चलते हैं बेस के ऊपर और उसके बाद इनको माइन करते हैं गाइस, लेट्स गो। ऑलमोस्ट 2 घंटे माइनिंग करने के बाद हमें मिल चुके हैं एक स्टैक डायमंड्स का, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और क्योंकि हम जो है वो क्ले मेथड यूज़ कर रहे थे, हम एक ट्रिक यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए हमें गाइस यहाँ पे एक स्टैक जो है वो डायमंड्स का इजीली मिल गया। सो या गाइस, इनको माइन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि एक स्टैक डायमंड से हमें कितने डायमंड जो है वो मिल पाते हैं। ओके गाइस, तो इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 15 ब्लॉक्स, और इनको प्लेस कर देते हैं गाइस। कुछ ब्लॉक्स जो है वो मेरे पास ऑलरेडी थे पहले से ही। सो इनको प्लेस करने के बाद गाइस, नहीं 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 नहीं, हमें बहुत सारे डायमंड्स लगेंगे गाइस, हमें बहुत सारे डायमंड्स लगेंगे। सो आई थिंक कि हमें 8 से 9 अभी जो है वो और डायमंड और के वो जो है वो स्टैक्स चाहिए होंगे। सो या गाइस, मैं फिर से माइनिंग पे चलता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओ नहीं, ओ भाई, ये क्या था? अरे नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा, बिल्कुल सही नहीं हो रहा गाइस, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, ओ भाई, थैंक गॉड गाइस कि मैंने एलाइट्रा पहन रखी थी भाई, मरते बचा हूँ भाई। हम अभी जो है वो बीकन माइनिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना बीकन सेटअप कर रहा हूँ हेज 2 के लिए, और देखते हैं गाइस कि ये मेथड है जो है कितना फास्ट हो सकता है। सो हमारा बीकन जो है वो सेटअप हो चुका है और हमारा हेज 2 जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो चलो गाइस, कुछ देर में माइनिंग करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमें कितने डायमंड जो है वो मिलेंगे। मेरी तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है गाइस इस मेथड से, क्योंकि जो है वो स्वैप वाला मेथड मुझे थोड़ा चीटिंग वाला लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायमंड जो है वो कम टाइम में मिल रहे थे। और उसके बाद गाइस, उससे बहुत आसानी से मैं बीकन बना लेता। तो यहाँ पे हमने अपना माइंड जो वो चेंज कर लिया और उसके बाद हम करेंगे अब स्ट्रिप माइनिंग, ब्रांच माइनिंग मेथड यूज़, और उसके बाद देखते हैं गाइस कि कितने डायमंड मिलते हैं और कितना टाइम लगता है। सो होप फॉर द बेस्ट गाइस, चलो यहाँ पे अपना काम जो वो शुरू करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। सो गाइस, 3 घंटे माइनिंग करने के बाद हमें मिले हैं हाफ स्टैक डायमंड ओर्स का। भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसा मैं उम्मीद कर रहा था गाइस, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हमें बाकी ओर्स जो वो बहुत सारे मिले, बट गाइस हमें डायमंड जो वो नहीं मिल रहे। सो आई थिंक कि गाइस, मैं यहाँ पे अपना स्ट्रिप माइनिंग और उसके बाद ब्रांच माइनिंग मेथड यूज़ करूँगा विदाउट बीकन। सो या गाइस, अभी तो पहले बेस पे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें कितने डायमंड्स और जो है वो मिलेंगे। सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो हमें मिले हैं 10 डायमंड ब्लॉक्स, तो ये गाइस बहुत कम है। सो अभी जो है हमारा बीकन जो है हाफ ही नहीं हुआ और हमें बहुत सारे डायमंड्स जो है वो अभी चाहिए होंगे। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 स्टैक्स और डायमंड ओर की हमें चाहिए होंगे गाइस। जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल और कहीं ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी जो है वो बहुत रात हो चुकी है, तो अभी मैं कल से फिर से कंटिन्यू करूँगा। सो या गाइस, अभी के लिए जो है वो मैं जा रहा हूँ। तो या सो नए दिन की शुरुआत यहाँ पे डायमंड से हम कर रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं अपने टूल जो है उनको रिपेयर कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम जो है आज फिर डायमंड माइनिंग के लिए चलेंगे, ताकि हम अपना डायमंड बीकन बना सकें। तो गाइस आई डोंट नो कि ये
जो है ये कब तक चलेगा और कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि गाइस डायमंड मिलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्वयं मेथड से मुझे बहुत सारे डायमंड मिल रहे थे बट वो मुझे नहीं चाहिए। सो या गाइस अपने टूर रिपेयर करते हैं और उसके बाद आज फिर से चलते हैं माइनिंग के लिए। तो यहाँ पे आज मैं यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रिप माइनिंग और ब्रांच माइनिंग, और उसके बाद देखते हैं गाइस कि हमें कितने सारे डायमंड्स जो वो मिलेंगे। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी माइंस में और उसके बाद एक लंबे सफ़र की जो वो शुरुआत करते हैं। तो गाइस मैं देखता हूँ कि कितने डायमंड हमें इस मेथड से मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे मेथड जो वो ट्राई कर रहा हूँ डायमंड माइनिंग की, और ओह माय गॉड गाइस ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब बोरिंग प्रोसेस है गाइस। सो चलो गाइस चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें कितने डायमंड मिलते हैं। तो लेट्स गो। डायमंड्स सो हमें मिले हैं 3 डायमंड्स। डायमंड्स सो हमें मिले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डायमंड्स। सो या गाइस लास्ट अपडेट के बाद यहाँ पे मुझे कुछ भी डायमंड्स नहीं मिले और ऑलमोस्ट 3 घंटे से जो वो माइनिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी ओर्स मिली हैं और अभी सिर्फ मुझे जो वो 11 डायमंड्स मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। सो या गाइस अभी मैं थोड़ी और माइनिंग करता हूँ और उसके बाद फिर आज के दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा एंड कल से हम फिर से शुरू करेंगे। सो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है गाइस और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, बट हमें वीडियो बनानी है। सो गाइस हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा और हमें एनर्जी चाहिए होगी। सो या गाइस मैं ये थोड़ी और माइनिंग करता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं कि आज के दिन हमें टोटल डायमंड्स जो वो कितने होंगे। और ये पहुंच गए हम अपने बेस पे। सो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ माइन से और मतलब आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस माइन से। तो चलो गाइज आज का मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हमने क्या किया। आज हमने 8 घंटे जो है वो माइनिंग की और उसके बाद उसका रिजल्ट यहाँ पे है। ये हमें बहुत सारी ओर्स मिली हैं गाइज और उसके बाद हमें सिर्फ जो है वो 30 डायमंड्स मिले। और हमने स्वैब में सिर्फ 2 घंटे माइनिंग की थी पहले दिन गाइज, तो हमें वहाँ पे 1 स्टैक मिला था। मतलब ये वाला मेथड जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है माइनिंग का, बट गाइज क्योंकि स्वैम्प वाला मेथड जो है वो थोड़ा मुझे चीटिंग वाला लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे डायमंड जो है बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो हम इसी मेथड से जाएंगे और मे बी हम बीकन यूज़ करेंगे। बट गाइज आज का दिन जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो आज हमें इतना ही मिला है। तो कल हम फिर से माइनिंग करेंगे, बट उससे पहले मैं अपने टूल्स को जो वो रिपेयर कर लेता हूँ एंड उसके बाद गाइज आज का दिन यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और हाँ गाइज आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस देखते हैं बट उनको ये पता नहीं है कि भाई उन्होंने सब्सक्राइब किया नहीं किया, तो भाई एक बार जरूर चेक कर लेना कि यार आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, और वीडियो को जो वो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो गाइज यहाँ पे मैं अपने टूल्स को रिपेयर कर लेता हूँ और उसके बाद आज का दिन जो वो एंड करते हैं। सो गाइज डायमंड माइनिंग का जो आज हमारा तीसरा दिन शुरू हो चुका है, तो चलो चलते हैं और उसके बाद गाइज माइनिंग जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि गाइज आज के एपिसोड में हमें कितना। आज के एपिसोड में आई थिंक हमें 2-3 स्टैक जो वो मिलने चाहिए क्योंकि इस वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है गाइज, और मतलब मुझे वीडियो जो वो जल्दी पोस्ट करनी है। सो या गाइज चलो चलते हैं और उसके बाद माइनिंग शुरू करते हैं। तो मैं माइनिंग करता हूँ और उसके बाद गाइज आप इन्जॉय करें ये छोटा सा टाइम लैप्स। ओके गाइस सो डे 3 जो आज एंड हो रहा है और इस वक्त जहाँ पे मैंने अपना बीकन इंस्टॉल कर दिया क्योंकि कल हम गाइस बीकन माइनिंग करेंगे। सो आज के स्ट्रिप माइनिंग से हमें मिले हैं ऑलमोस्ट जो है वो 2 स्टैक डायमंड्स के, जो कि मतलब इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। बट या गाइस डे 3 जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है और इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। सो कल मैं फिर से शुरू करूंगा और आई होप कि कल के दिन हम अपने जो है वो सारे डायमंड्स कलेक्ट कर लें। सो या गाइस अभी के लिए चलता हूँ एंड उसके बाद कल हम फिर से शुरू करेंगे। डे 4 की शुरुआत हो चुकी है गाइस और जहाँ पे हमने लास्ट को रात को छोड़ा था, तो हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड ओ माय गॉड गाइस बीकन से जो है वो माइन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो आरामदायक है गाइस। सो आज के एपिसोड में गाइस हमें ऑलमोस्ट जो है वो 4 स्टैक डायमंड ओर्स के करने हैं।
सो मतलब बहुत सारा काम है हमें गाइस, और आज के दिन में पूरा फ्री हूँ, तो आज हम पूरे दिन जो है वो माइनिंग करेंगे, एंड उसके बाद आई होप कि गाइस आज हमारा जो है वो डायमंड्स कलेक्ट हो जाएंगे। सो चलो गाइस शुरू करते हैं, और उसके बाद क्योंकि ये बहुत बड़ी फुटेज होगी तो आप इंजॉय करें ये छोटा सा टाइम लैप्स। सो गाइस 4 दिन की माइनिंग के बाद हम यहाँ पे अपने बेस पे वापस आ चुके हैं, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाइस, इन शल्कर बॉक्सेस में हमारे रिसोर्सेस है जो गाइस हमने माइनिंग के दौरान जो है वो कलेक्ट किए हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या कलेक्ट किया गाइस, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिले माइनिंग करते वक्त। तो सबसे पहले यहाँ पे शल्कर बॉक्सेस में है गोल्ड, तो यहाँ पे ये सारी गोल्ड ओर्स हैं, और गाइस ये बहुत सारी हैं। और उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पूरे दोनों शल्कर बॉक्सेस में आयरन भरा हुआ है गाइस, और उसके बाद यहाँ पे इसके साथ है रेडस्टोन जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, और उसके बाद यहाँ पे कुछ कोल है, लैपिस है, और उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ कॉपर है। और मेरी इन्वेंटरी में आप देख सकते हैं गाइस ऑलमोस्ट 8 stacks जो हैं वो मेरे पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 7 stacks जो मेरे पास डायमंड के ओर्स हैं। तो चलो गाइस इन डायमंड ओर्स को जो है वो माइन करते हैं, फॉर्च्यून करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि गाइस हमारे कितने जो है वो डायमंड ब्लॉक्स बन पाएंगे, और क्या गाइस अब हमारा बीकन कंप्लीट हो पाएगा। सो चलो गाइस मैं इनको एक बार रख लेता हूँ, और उसके बाद गाइस फिर इनको जो है वो हम माइन करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कितने डायमंड्स हुए हैं। सो गाइस 4 दिन माइनिंग करने के बाद यहाँ पे हमें इतने सारे डायमंड्स मिले हैं, और गाइस इनको फॉर्च्यून करते वक्त मतलब जो मुझे फीलिंग और जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था गाइस वो बहुत ही अमेजिंग था, और मैं मतलब बता नहीं सकता कि गाइस मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर गेस करना कि गाइस हमें इतने सारे ओर्स से कितने जो है वो डायमंड्स मिले होंगे। सो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो गाइस जल्दी से गेस करो कमेंट सेक्शन में कि हमें कितने डायमंड के ब्लॉक्स मिलेंगे। सो आई थिंक आप लोगों ने जो है वो गेस कर लिया होगा, जल्दी से गेस करो गाइस के कितने सारे ब्लॉक्स मिलेंगे हमें डायमंड के, देखते हैं किसका सही होगा गाइस। ओके सो चलो मैं आपको बताता हूँ कि हमें कितने जो वो ब्लॉक्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इन डायमंड्स को जो वो ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे रहा 1 stack and 33। सो गाइस हमें मिले हैं 1 stack and 1.5 stack, आप बोल सकते हो कि भाई हमें डायमंड ब्लॉक्स से मिले हैं। तो चलो इनको प्लेस करते हैं। ओके गाइस सो हमारा डायमंड बीकन जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है गाइस, और उसके बाद भी मेरे पास 26 ब्लॉक्स जो हैं वो बच चुके हैं। ओ माय गॉड गाइस मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ हमारा ये वाला प्रोजेक्ट जो आखिरकार खत्म हुआ गाइस, जितना मैंने ज़्यादा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को खत्म होने में टाइम लग गया। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। सो गाइस हमारा डायमंड बीकन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बट अभी यहाँ की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है गाइस। मैं नहीं चाहता कि मैंने जिस प्रोजेक्ट पे इतनी ज़्यादा मेहनत की है वो प्रोजेक्ट जो है वो डायमंड बीकन ऐसी किसी जगह पे रहे। सो गाइस मैं चलता हूँ, और उसके बाद कुछ ब्लॉक जो है वो मैं कलेक्ट करता हूँ, कुछ मटेरियल कलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद गाइस हम डेकोरेट करते हैं अपने बीकन श्राइन के इंटीरियर को। तो चलो गाइस मैं कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद आप इंजॉय करें इस एपिसोड का ये आखिरी टाइम लैप्स।
सो गाइज, क्या आप सब लोग तैयार हैं बीकन श्राइन के इंटीरियर को देखने के लिए? तो चलो गाइज, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये रहा हमारा बीकन श्राइन का इंटीरियर। और गाइज, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि भाई ये आपको कैसा लगा। सो यहां पे मैंने बहुत सारी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश की हैं, और यहां पे मैंने एंड क्रिस्टल को किसी ना किसी तरह अपने बेस के साथ जोड़ने की कोशिश की, ताकि मतलब गाइज पूरा मिस्टेक और मतलब पूरा ये मतलब जादू जैसा लगे। और मतलब क्योंकि ये श्राइन है, यहाँ पे जो विलेजर्स होंगे और जितना भी ये लोग होंगे, ये सारे आके यहाँ पे प्रे करेंगे, और मतलब ये इनका पावर सोर्स है। तो उस थीम के हिसाब से यहाँ पे मैंने इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है गाइज। और मेरा बीकन देखो गाइज, जिस पे हमने 4-5 दिन जो है वो कंटिन्यू मेहनत किया, वो कैसा लग रहा है। सो आई थिंक गाइज, ऐसा बीकन जो है वो ऐसी जगह डिजर्व करता था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बनाया। तो गाइज, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, इस एपिसोड में क्या पसंद आया वो भी मुझे बताना। और गाइज, नेक्स्ट एपिसोड में हम अपने वर्ल्ड को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और मतलब हम अपने वर्ल्ड को अपडेट करेंगे 1.18 पे। तो उसके लिए गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। सो गाइज, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे अमेजिंग माइनक्राफ्ट कंटेंट आता रहता है। गाइज, मेरे डिस्कॉर्ड और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया होगा, वहाँ से ले लेना। सो गाइज, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।